मेरी मंजिल करीब है मेरे, इसका मुझे एहसास है। ये गुमान नहीं है मुझे अपने इरादों में, ये मुझे मेरी सोच और हौसलों पर पूरा विश्वास है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। माय डियर फ्रेंड, आई एम अ मोटिवेशन स्पीकर सिंस 2010। बहुत सारे लोगों से मैं इंटरेक्ट कर चुका हूं। आज जिस बेहतरीन पर्सनालिटी, बेहतरीन रिकॉर्ड मेकर के बारे में बात करने के लिए आया हूं, माय डियर फ्रेंड, वो लोग जो अपनी विपरीत परिस्थितियों को, जो अपनी कमजोरियों को हार का कारण बना लेते हैं, जो बहाने देते हैं, यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे बहाने खत्म हो जाएंगे, सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं कैसी लेडी के बारे में बात करने के लिए आया हूं, एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने के लिए आया हूं जो कि यूपी के एक छोटे से शहर की रहने वाली थी। वो स्टेट लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। एक बार क्या होता है कि वो एग्जाम देने के लिए, सीआईएसएफ का एग्जाम देने के लिए लखनऊ से दिल्ली जा रही थी पद्मावती एक्सप्रेस से। तो होता क्या है कि रात को 1 बजे कुछ लुटेरों ने उनकी चेन लूटने की कोशिश करी, उन्होंने देने से मना कर दिया, तो उसको धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। जब वो नीचे गिर गई, जैसी नीचे गिरी, उसके बाद उसके बाएं पैर से लगातार 35 से 40 गाड़ियां गुजरती गई। उसका पैर निष्क्रिय हो चुका था, उसने लगभग हार भी मान ली थी। लगा था कि उस दुनिया को छोड़ चुकी है, लेकिन शायद उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो लड़की को जब उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहां पे इंजेक्शन नहीं था, जो दर्द के लिए इंजेक्शन लगता था, उस इंजेक्शन के बिना प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद उनको एम्स में एडमिट किया गया। जब उसको होश आया तो लोगों ने उसको बेचारी कहा। उसने कहा कि मुझे बेचारी बनना मंजूर नहीं है, अब मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जो आज तक नहीं किया। बुलंद हौसलों की आवाज बुलंद कर दी। उस लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। माय डियर फ्रेंड, उनके बारे में यदि मैं बात करूं, उसी वक्त उस लड़की ने लेटे लेटे वहां पे जिसका पैर कट चुका था, एक डॉक्टर्स ने उनका पैर कट कर दिया था, माय डियर फ्रेंड, उस लड़की ने वहीं पे लेटे लेटे कह दिया था कि अब मैं माउंट एवरेस्ट फतह करूंगी, अब मैं माउंट एवरेस्ट फतह करके दिखाऊंगी। माय डियर फ्रेंड, जैसे ही लोगों ने बातें सुनी कि माउंट एवरेस्ट फतह करने की बात कर रही है, लोग हंसने लगे कि बेचारी कैसी बातें कर रही है। माय डियर फ्रेंड, एक संस्था ने उनको कृत्रिम पैर गिफ्ट किए। जैसे ही वो पैर लगा, जैसे ही वो बेड से उठी, अगले हफ्ते वो पहुंच गई जमशेदपुर बछेंद्री पाल के पास। बछेंद्री पाल ने जब उसको देखा तो उस पे तरस भी खाई कि इसके अब पैर नहीं है। जब उससे पूछा कैसे आना हुआ, तो उसने कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट फतह करना चाहती हूं, माउंटेनियर बनना चाहती हूं। बड़ा आश्चर्य हुआ बछेंद्री पाल को, पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब उसने जिद करी, हौसला दिखाया, बुलंद हौसले के साथ ये बात कही, तब बछेंद्री पाल ने कहा कि तुमने एवरेस्ट तो फतह कर लिया है, आज ही अपने लिए बस दुनिया को दिखाना बाकी है। एंड वो लड़की नकली पैर के साथ, कृत्रिम पैर के साथ एवरेस्ट की ऊंचाइयों में चढ़ना शुरू किया और पूरी वर्ल्ड की पहली ऐसी खिलाड़ी बनी, पहली ऐसी माउंटेनियर बनी जिसने एवरेस्ट की चोटी में हिंदुस्तान का झंडा फहरा दिया। नन अदर देन अरुणिमा सिन्हा है। माय डियर फ्रेंड, कुछ लीडरशिप लेसन आज मैं लेकर आया हूं उनके जीवन से, चलिए सीखते हैं। वीकनेस आर पावर। कभी भी अपनी विपरीत परिस्थितियों को हार का कारण नहीं, जीत का कारण बनने दीजिए। माय डियर फ्रेंड, जो चीज आपके पास नहीं है उसी को ताकत बना लीजिए। जब अरुणिमा का पैर काट दिया गया तो अरुणिमा ने शोक नहीं मनाया, बल्कि दुनिया को कहा कि लोगों के पास तो पैर हैं, मेरे पास लोहे का पैर है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिया, अपनी विपरीत परिस्थितियों को हार का नहीं जीत का कारण बनने दीजिए दोस्तों। सेकंड थिंग, शारीरिक दुर्बलता किसी मुकाम के राह में कभी आड़े नहीं आ सकती। यस माय डियर फ्रेंड, विकलांगता शरीर में नहीं होती, सोच में होती है। और अरुणिमा सिन्हा ने ये करके दिखाया कि आप शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, मैटर नहीं करता है, मानसिक रूप से मजबूत बन जाइए, एवरेस्ट फतह करना आसान है। नेक्स्ट थिंग, फॉरगेट द पास्ट। जो गुजरना था वो गुजर गया, क्या आप उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्या बदल सकते हैं? अपना प्रेजेंट बदल सकते हैं, अपना भविष्य बदल सकते हैं, और गाथा ऐसी लिख सकते हैं कि पूरी दुनिया उसकी बारे में, पूरी दुनिया को बता देगी। नेक्स्ट थिंग, नेगेटिविटी इज फ्यूल। जब अरुणिमा ने स्टार्ट किया तो लोग कहते थे ये नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी, लेकिन उस नेगेटिविटी से वो घबराई नहीं, उस नेगेटिविटी को ताकत बना लिया,
चढ़कर दिखाया एवरेस्ट की ऊंचाइयों पे और फतह कर दिया अपना नाम उन बुलंदियों पे। डिटर्मिनेशन ही एक ऐसी की है जो आपको कामयाब बना सकती है। जब आप चलेंगे आपको हार मिलेगी, लेकिन माय डियर फ्रेंड आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप हार मान लेंगे या फिर वहां से ठान लेंगे कि मैं करके दिखाऊंगा। जो ठान लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो हार मान लेते हैं वहीं पे फेल हो जाते हैं। If you can dream it, you can achieve it. Yes, my dear friend. Mount Everest फतह करने से पहले अरुणिमा ने सोच बनाई कि मुझे फतह करना है, और जब एक बार दिल से सोच बन गई और सपनों से कनेक्ट कर गई तो कारनामे बड़े कर दिए। Next thing, well defined goals. आपके well defined goal होने चाहिए कि आपको actually पाना क्या है, specified करिए। Date, time, color, everything, सब कुछ decide करिए। जब आपके पास well defined goal होंगे तो well defined success होगी। Next thing, focus. Yes, my dear friend, राह में अड़चने आएंगी, आपका दिमाग divert करेंगी, आपको हराएंगी वो बातें, लेकिन focus, ध्यान ही एक ऐसी चीज होगी, एकाग्रता ही एक ऐसी चीज होगी जो आपको जीतने पे मजबूर कर देगी। Next thing, self motivation is the biggest motivation. My dear friend, दुनिया आपको कुछ समय के लिए motivate कर सकती है, लेकिन अंदर आग लगी है तो कारनामे बड़े हो जाते हैं। रॉकेट भी तभी उड़ता है जब उसके पीछे आग लगी होती है। इंसान भी आसमान में तभी उड़ता है जब वो अंदर से जल रहा होता है। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, अपनी आग को भड़का दीजिए। नेक्स्ट थिंग, कमिटेड रहिए, चलते रहिए, तब तक ना रुकिए जब तक बुलंदियों को ना छू लें आप। जूते फटे पहन आकाश पे चढ़े थे, हमारे सपने हमेशा से ही हमारी औकात से बड़े थे, इसलिए बड़े सपनों को हासिल कर लिया। माय डियर फ्रेंड, सपने बड़े रखिए, जीवन बड़ा सुंदर होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।